इसका सर काटकर मुगल सल्तनत को भेज दिया जाए। जोधा रुकिए, जोधा तुम्हें यहाँ आने का कोई अधिकार नहीं। पर पाप को होते हुए रोकने का अधिकार तो है ना बापू साहब। वीर राजपूत कभी 8 लोगों पर वार नहीं करते हैं। अब बहुत बालक वृद्ध अबला शरण में आए या पीठ दिखाकर भागने वाला व्यक्ति, बंधक नपुंसक बावन और अपाहिज, पर यह व्यक्ति शरीर से निर्बल है। इसमें वार करना मतलब अपने ही नियमों को तोड़ना होगा बापू साहब। राजकुमारी जोधा ठीक कह रही है राजा जी। एक बार जो राजा निर्णय लेता है फिर उससे कभी पीछे नहीं हटता, और हमने इस राजपुताने के दुश्मन को मारने का निर्णय ले लिया है। शत्रु तो हमारा जलालुद्दीन मोहम्मद है, ये तो मरने के लिए बना हुआ मोहरा मात्र है। जोधा ठीक कह रही है राजा जी, इस अपाहिज पयादे को मारने से हमारा सम्मान कम होगा। हमारी तलवार तो सीधी जलालुद्दीन की गर्दन पर पड़नी चाहिए। आज हम अपने ब्याह की घोषणा पर यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम जलालुद्दीन का सर काटकर राजा फारमल के कदमों में लाएंगे, और यह हमारा उपहार होगा राजकुमारी जोधा को और पूरे आमेर को। हमारे होते हुए मुगल हम पर कभी राज नहीं कर पाएंगे, यह आप सबको वचन है हमारा। राजा सूर्यवान सिंह जी की जय। 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 या अल्लाह, अपने बड़े दिन पर अपनी ही मौत मांग ली तुमने ओ बेवकूफ राजा। जलाल का सर काटने का ख्वाब देखने वाली तेरी गुस्ताख निगाहों की सजा तेरी जिंदगी होगी। अब सर तो कटेगा लेकिन तुम्हारा राजा सूर्यभान। आखिर कौन हो तुम? क्यों आंखें तुम्हारा चेहरा भूल नहीं पाती? ओहो, अभी तक कांच की चूड़ियां निकाली नहीं भानपुर की महारानी ने। हम अभी तक महारानी बने नहीं है सुकन्या। बन जाओगी, देर किस बात की है, चलो चलो निकालो। सच कहूं जोधा, मैं ना सारा गुस्सा छोड़ के आई थी तुम्हारे विवाह की घोषणा में, अब तो माफ कर दो अपनी इस छोटी बहन को। वैसे मैं जानती हूँ कि तुम और मासा मेरे लिए इससे भी अच्छा वर ढूंढोगे, है ना? हाँ सुकन्या, जरूर ढूंढेंगे। चलो चलो अब चूड़ियाँ निकालो। नहीं नहीं, इन्हें छोड़ दे, इन चूड़ियों को हम विवाह के बाद अपने साथ लेकर जाएंगे। सच कहती हूँ जोधा, मैंने जब देखा ना कि घोषणा के समय मेरी पसंद की चूड़ियाँ पहनकर आई थी, तब मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा तुमसे झगड़ना एक बचपना था। और वैसे भी महत्व तो इस बात का है ही नहीं कि मैं सूर्यभान को पसंद करती हूँ, बल्कि महत्व तो इस बात का है कि वो मेरी बहन को पसंद करते हैं, और मैं जानती हूँ कि वो मेरी प्यारी सी बहन की हर एक इच्छाओं का ख्याल करेंगे। पर वो सूर्यभान नहीं थे जिसको हमने बावड़ी के पानी में देखा था? तो किसे देखा था? वो चेहरा किसी और का था सुकन्या।
और आज विवाह की घोषणा में हमने पहली बार सूर्यभान को देखा है। वो दोनों अलग थे। अच्छा चल, हम तुम्हारी आंखें बंद करते हैं। अब बताओ तुम्हें कौन दिख रहा है? बताओ कौन दिख रहा है? राजा सूर्यभान है ना? अब कुछ ही दिनों में तुम भानपुर की महारानी बनने वाली हो। जोधा, और वैसे भी मासा ने ना ये सब इसीलिए कहा होगा ताकि तुम सूर्यभान को पसंद करो। जोधा रानी, सब जानते हैं कि भानपुर के राजा सूर्यभान का सिर्फ एक ही चेहरा है जो सबको पता है। आपके बापूसा का निमंत्रण मिला। हमें भी। चलिए इसी बहाने मिलना हो गया। घड़ी खम्मा बापूसा। खम्मा घड़ी। क्या बात है? आपने हम दोनों को एक साथ बुलाया। आपका चित्र तैयार से। कैसा लगा? अच्छा है बापूसा, पर कुछ कमी सी है। बोलियो माफ हो कुरीसा, वर्षों से राजकीय चित्र बना रहा हूं, कमी का तो प्रश्न ही नहीं उठता। क्या हम अपने हमारे बापूसा को प्रसन्न करने के लिए इस चित्र में उन्हें स्वस्थ और जवान दिखाया है, पर उनकी चेहरे की झुर्रियां और ये सफेद बाल इनके अनुभव को दिखाते हैं और इनका अनुभव प्रजा को सुरक्षा का आश्वासन देता है। हमारे बापूसा अपने प्रजा के प्रति हमेशा ईमानदार रहे हैं। आपको भी अपनी कला के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। वैसे आपकी आयु के कई वर्ष छिपा रहा था यह चित्र। बुद्धिमत्ता तो इसमें बचपन से ही कूट कूट कर भरी है, और हम इस बात से प्रसन्न हैं कि हमारी बेटी जोधा बहुत जल्द आपकी महारानी बने। हम चाहते हैं कि हमारे राज्य में कारागार में कपड़े, अनाज और मिठाइयां बांटी जाएं, और ये कार्य हमारी बेटी जोधा और हमारे जमाईसा राजा सूर्यभान के हाथों संपन्न हो, ताकि हमारे साथ साथ और भी लोगों का आशीर्वाद तुम्हें मिल सके। ये तो बहुत अच्छी बात है बापूसा, मगर इन्हें लौटते हुए देर हो जाएगी। हम भी इनके साथ जाते हैं। आप चिंतित मत हो भगवान दास, अब जोधा हमारी भी जिम्मेदारी है। जैसा आप कहें जवाई साहब। रुको, पालकी को यही रख दिया जाए। जोधा आप बाहर आ सकती हैं।
एक बात पूछे आपसे। जी। आपके उम्र की लड़कियां गणगौर में अपने लिए कपड़े लते, जेवर और अच्छा वर मांगती हैं, पर आपने तो जलाल का सर मांगा, ऐसा क्यों? क्योंकि हम आमेर की राजकुमारी हैं और अपनी प्रजा की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। उस जल्लाद ने हमारी सीमाओं को रौंदा है, हमारी औरतें बच्चों को मौत के घाट उतारा है, हमारी देवी देवताओं को अपमानित किया है। हम उससे इतनी नफरत करते हैं कि उसका नाम लेने से हमारी जुबान कड़वी हो जाती है, और इसलिए हम उसका सर, उसका अहंकार, उसके साम्राज्य को राजपुताना के पैरों तले कुचला हुआ देखना चाहते हैं।